जूते पहनकर उस जाति की बस्ती से गुजरने पर प्रजापति परिवार की पिटाई, मामला दर्ज। बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में उस जाति के लोगों को पिछड़ी जाति के युवक का जूते पहनकर उनके घर के सामने गुजरना, ऐसा खला कि युवक को लाठी से पीटकर उसका पैर तोड़ दिया। युवक के सर में भी चोट आई, मगर जातिवादियों के आतंक से भयभीत होने के डर से शिकायत नहीं की। तब कहीं जाकर पीड़ित की पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बता दें कि मामला छतरपुर जिले के जुझार नगर थाना क्षेत्र के गांव महाराजपुर का है। जातिवाद की दूषित मानसिकता से ग्रसित गांव के उच्च जाति के एक युवक द्वारा पिछड़ी जाति के युवक को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि वो उच्च जाति की बस्ती से जूते पहनकर गुजरा था। यह बात उच्च जाति के लोगों को पसंद नहीं आई और उन्होंने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। पीड़ित परिवार उच्च जाति के लोगों के भय के कारण पुलिस में शिकायत करने तक नहीं गया। जातिवादियों का डर ऐसा था कि पीड़ित परिवार डर के मारे घर में छिपा रहा। बाद में जब घायल युवक का दर्द ज्यादा बढ़ा तो उसे जिला अस्पताल में लाया गया। इसके बाद पीड़ित की पत्नी अपने ससुर और गांव की महिला सरपंच के पति के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय न्याय की गुहार लगाने पहुंची। बता दें कि पीड़ित की पत्नी अनीता प्रजापति ने पुलिस को बताया कि वह और उसका पति लखन प्रजापति अपने परिवार के साथ महाराजपुर गाँव में रहते हैं। पति मजदूरी करता है। पीड़िता के मुताबिक कुछ दिन पहले उसका पति जूते पहनकर ऊंची जाति वालों की बस्ती से गुजर रहा था। इससे नाराज गांव के मनबड़ किस्म के संजय ठाकुर ने हमें बीच रास्ते में रोककर मारपीट की। अनीता ने बताया कि बाइक से जाते समय आरोपी संजय ठाकुर ने हमें रोक लिया और पति को जाति सूचक गालियां देते हुए लाठी से पीटना शुरू कर दिया। मैंने पति को बचाने की कोशिश की तो संजय ठाकुर ने मुझे लाते मारी, मेरी गोद से एक साल के बेटे को छीनकर फेंक दिया। मारपीट में पति के सिर में कई टाँके आए और एक पैर टूट गया। जिला अस्पताल में उनका इलाज हो रहा है। पीड़िता परिवार का कहना है कि गांव में जाने से उन्हें अब खतरा है कि कहीं आरोपी उन्हें शिकायत करने पर फिर से न पीट दे। फिलहाल जुझार नगर थाने में पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी संजय ठाकुर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब देखना होगा कि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।